नमः शिवाय फ्रेंड्स, आज हम गायत्री मंत्र लेखन के विषय में कुछ डिस्कस करने जा रहे हैं। गायत्री मंत्र जाप के बारे में तो आपने कई जगह कितनी ही बार सुना होगा, फायदे सुने होंगे, लेकिन गायत्री मंत्र लेखन एक ऐसा विषय है जिस पर बहुत कम बात हुई है और इसके फायदे अनेक हैं जो आपके साथ डिस्कस करना चाहती हूँ। गायत्री मंत्र जाप जब करते हैं तब तो सिर्फ जिह्वा से उच्चारण होती है और कान से हम सुनते हैं, लेकिन जब गायत्री मंत्र का लेखन कर रहे होते हैं तो हमारे हाथ, हमारी आँखें, हमारा मस्तिष्क सब एक साथ एकाग्रचित होते हैं और इस कारण से गायत्री मंत्र जाप से 10 गुना ज़्यादा फायदा गायत्री मंत्र लेखन से होता है। ये गायत्री मंत्र लेखन की पतली पतली प्रतियां हैं जो शांति कुंज हरिद्वार से मिल जाती हैं और इसमें 2400 मंत्र लिखने का एक अनुष्ठान आपका पूरा हो जाता है अगर आप ये पूरी एक बुकलेट लिख लेते हैं तो। पर ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि आप इन्हीं बुक्स में ही लिखें, आप चाहें तो छोटी पतली कॉपी जो होती है वो भी बना सकते हैं, उसमें लिख सकते हैं और आप अपना ये अनुष्ठान पूरा कर सकते हैं। इसमें नियम भी बहुत ही कम है, कोई बीमार व्यक्ति भी इसे लिख सकता है, उसके लिए बहुत ज़्यादा शुद्धि या कर्म कांड करने की ज़रूरत नहीं है। बस एक शांत जगह पर बैठकर एक पेन लेकर और माँ गायत्री को याद करके आप गायत्री मंत्र का लेखन कर सकते हैं। कहते हैं कई अनेक मंत्रों, वेद में जितने भी मंत्र हैं उन सब मंत्रों को अगर आप नहीं करते, सिर्फ गायत्री मंत्र का जाप या लेखन कर लें तो आप सिद्धि पा सकते हैं, आपकी मनोकामनाएं पूरी हो सकती हैं, एक अस्वस्थ व्यक्ति स्वस्थ हो जाता है, आपकी सांसारिक जरूरतें पूरी होती हैं और माँ गायत्री, गुरुदेव और गुरु माँ का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो मित्रों, आप भी गायत्री मंत्र लेखन शुरू करें, बहुत ही आसान है और अगर आप चाहेंगे तो मैं इससे रिलेटेड कुछ और वीडियोस ज़रूर बनाऊंगी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। लाइक अस, सब्सक्राइब अस, थैंक यू।